वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी छुट्टियाँ बहुत अच्छे ढंग से बीती होंगी, ये जो अभी दशहरा की जो हॉलीडेज़ हैं वो। और उम्मीद करता हूँ आपके घर में सब कुछ अच्छा होगा। इस कोविड के टाइम में भी आप लोग अच्छे से अपना मास्क पहन के घूम रहे होंगे और साथ में हाथ धो रहे होंगे, अपना हेल्थ और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, उसका मतलब समझेंगे, वो कैसे फॉर्मूला ड्राइव है, उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। ये सेम टॉपिक जो है वो वर्कशीट नंबर 49 है, उसमें भी है, तो हम उसके कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं जो कि है 29th of October की। तो पहले पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस जिसे हम कहते हैं और एरिया का मतलब समझने से भी पहले हम एक नया टर्म सीखते हैं जिसे कहते हैं पाए। ठीक है, एक ग्रीक लेटर है ये, जिसे कहते हैं ग्रीक लेटर। अब इसकी वैल्यू कैसे आई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी एक धागा लें, ठीक है, थ्रेड लें या फिर कोई भी धागा हो सकता है, रस्सी हो सकती है। उससे आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाएंगे, कोई भी बड़ा सा सर्कल बना लें। मेरे को देखो इसका रेडियस नहीं पता, इसका मुझे रेडियस नहीं पता, मेरे को क्या करना है, मैं इसकी वैल्यू ढूंढना सिखा रहा हूँ आपको एक्टिविटी से। यहाँ पर रस्सी रखें और रस्सी इस तरीके से नाप लें, ठीक है, रस्सी नाप ली। अब उसके बाद आप उस रस्सी को एक स्केल के ऊपर, ठीक है, स्केल होता है, स्केल के ऊपर आप इसको रस्सी को रखें और मेजर कर लें कि वो कितनी है। ये जो मेजरमेंट आएगी बाहर की जो लाइन आएगी, इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ओके, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब आपको क्या करना है, उसी स्केल से आप एक डायमीटर नाप लें इसकी, क्या कहते हैं, डायमीटर। आप हैरान हो जाएंगे, आप बड़ा सर्कल लें या छोटा सर्कल लें, अगर आप सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड करें तो उसकी जो अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट का निशान होता है, जो वैल्यू होगी वो 3.14 होगी। 3.1 के आसपास आपका आंसर ज़रूर आएगा। ये वैल्यू चलती चली जाती है, मतलब कभी भी एंड नहीं होती। अभी तो हमने यहाँ पे एंड कर दी, 3.1416 डॉट 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 चलती रहती है। तो हम इसको जो है मान लेते हैं कि 3.14 होती है इस पाई की वैल्यू। ये आपने छोटी क्लासेस में भी याद करा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को करके देखेंगे। आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। मेरी बात मत माने, एक छोटा सर्कल भी लेके देख सकते हैं, एक बड़ा सर्कल भी लेके देख सकते हैं, और अब सब में चेक करें कि क्या ये वैल्यू आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये एक्टिविटी करेंगे और अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आंसर इसके आसपास आया कि नहीं आया। तो मैंने जैसे कि बताया, तो ये एक रेशियो होता है, पाई क्या होता है, एक रेशियो होता है। तो रेशियो सर्कमफ्रेंस अपन डायमीटर होता है। अब मुझे तो चाहिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, तो मैं डायमीटर को उधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी, जिसको हम फेमस तरीके से याद रखते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है, डी का वैल्यू क्या होती है, डी होता है 2 into r, रेडियस, सो 2 pi r। तो ये बड़ा ही फेमस आपको फॉर्मूला है, आप ये भी याद रख सकते हैं और ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। अब इसकी, ये हमने सर्कमफ्रेंस की बात कर ली। सर्कमफ्रेंस होता क्या है, एक आउटर बाउंड्री, ये जो ग्रीन कलर की रस्सी आप मान लीजिए, आउटर बाउंड्री सर्कल की, बाहर की बाउंड्री, जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एरिया, ये अंदर का रीजन। अब हमें निकालना है एरिया, एरिया का फॉर्मूला कैसे आया और क्या होता है। अगर हम इस सर्कल को सेंटर के भाग से कट करना स्टार्ट करें, जैसे कि पिज्ज़ा की शेप होती है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कट कर दीजिए बहुत सारे पीसेस में, 1 2 3 4 5 6।
अगर आप इनको इस तरीके से लगाएंगे, वन हो जाएगा इधर, ठीक है, और टू हो जाएगा आपका इस तरीके से, अगर आप लगाएंगे एक साथ, ये टू हो गया, इस तरीके से थ्री, यहाँ से फोर, ये हो गया फाइव, और ये हो गया सिक्स, ठीक है। अब ये चीज़ तो मैंने अभी करी है बहुत ही बड़ी बड़ी, इसको कंप्यूटराइज वे में अगर हम करके देखें, बहुत ही छोटा छोटा अगर हम इसको डिवाइड कर दें बहुत सारे छोटे पार्ट्स में, तो इनफिनाइटली पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है, छोटे 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 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइडेड होता है। इसको भी आप एक्टिविटी के थ्रू आप करके देख सकते हैं, बट आप इसमें समझ लें कि हो क्या रहा है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसकी जो लेंथ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कट्स बन, ये बाहर बाहर का पार्ट है। अब ये बाहर बाहर का पार्ट तो बाहर से ही आ रहा था, अब आधा नीचे क्या होगा, आधा ऊपर, लेकिन पूरा क्या था, 2πr। अब लेंथ क्या हो गई, आधी πr, πr ऊपर गई, πr नीचे गई, तो लेंथ क्या हो गई, πr। अब ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ब्रेथ क्या है, ये डंडी, ये लाइन, ये क्या थी, रेडियस इंटू रेडियस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा πr2। तो हमारा जो एरिया का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है πr R2। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्टिविटी भी समझ में आई होगी कि इसका फॉर्मूला आया कैसे। तो अभी जो हमने देखा है वो हमने देखा है कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कैसे आया और एरिया का फॉर्मूला कैसे आया। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा ये कंटेंट अभी तक। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इसके बाद हम देखने वाले हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। जो वर्कशीट है मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप भी इस वर्कशीट को देख सकें और अपने आप पढ़ के समझ सकें। जो पहला क्वेश्चन है मैं पढ़ देता हूँ, द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर क्या होता है, इस तरीके का होता है। अब वो कह रहा है कि सेमी सर्कुलर जो प्रोटेक्टर है उसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर है। अब वो बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का मतलब हो गया कि वो ये वैल्यू मांग रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला हो गया आंसर नंबर वन, हम बता देंगे इसको किस तरीके से, ये क्या है, सेमी सर्कुलर। तो हमें सर्कल का, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है क्या है, 2πr। तो इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसको ए भी मार्क कर देता हूँ, पेरीमीटर इक्वल्स टू ए बी कर्व प्लस ए बी लाइन, क्योंकि पहले वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जाएगा कर्व, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा लाइन में। तो ए बी कर्व क्या है, आधा इसका, आधा सर्कल का, तो मतलब हम लिख देंगे पाए आर, और ए बी क्या है, डायमीटर, ठीक है। पाई क्या था, 22/7। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम 3.14 लें या 22/7 लें। अब पाई की दो वैल्यूज होती हैं, 22/7 और 3.14। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया तो वही लेना है। इस क्वेश्चन में जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, तो आप दोनों में से कोई भी ले लें। तो कौन सी लें, यहाँ देखो मुझे 14 दिखाई दे रहा है, तो जो वो 7 के टेबल में आता है तो मैं 7 वाला लेना चाहूँगा। अगर ये 100 में होता, 10 में होता, तो मैं 3.14 लेता, जिससे मेरा डेसिमल शिफ्ट हो सकता बड़ी आराम से। तो यह आया 14, सॉरी 14 नहीं आएगा यहाँ पे, ये तो डायमीटर था, तो यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 14, तो 7 7 कट गया, 22 प्लस 14, तो आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका इसका पेरीमीटर। तो यही मांगा था इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम चल लेते हैं अपने आंसर नंबर टू की तरफ।
अगेन बोल रहा हूँ आपको, इसका वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चिंता ना करें। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील। एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील है जो चलने के लिए रेडी, ऑब्वियसली कार की व्हील हो सकती है, जिसका एरिया दे रखा है 6.16 मीटर स्क्वायर। सो एरिया दे रखा है 6.16 मीटर स्क्वायर, इज रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर। तो इसका जो डिस्टेंस चला है 572 मीटर चला है उसने। अब मांगा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, इसने कितनी रेवोल्यूशन ली होंगी। तो पहली बात तो देखो, रेवोल्यूशन अगर ली है तो इसका मतलब उसने पेरीमीटर चला। देखो ये जो डिस्टेंस है, इसको डिस्टेंस को समझते हैं। अगर मैं कोई भी एक रेवोल्यूशन लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ से ये रेवोल्यूशन लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैंने इसको चला, पेरीमीटर चला होगा एक राउंड में, तो इसका जो भी पेरीमीटर होगा, मतलब सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस, ठीक है ना। एक बार चला कितना चला वो सर्कमफ्रेंस बताएगा, इनटू कितनी बार चला, जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उससे मुझे उसका टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, ये अपॉन सर्कमफ्रेंस। तो मुझे सर्कमफ्रेंस चाहिए, सर्कमफ्रेंस के लिए मुझे इसका रेडियस चाहिए, रेडियस मुझे मिलेगा एरिया से। एरिया क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, 6.16 मीटर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू क्या लूँगा मैं, 3.14 या फिर 22/7, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं 7 r² = 6.16, उधर जाएगा r² = 6.16 into 7/22। तो देख लेते हैं इसको कैंसिलेशन करने से पहले, इसको मैं अपॉन में 100 लिख देता हूँ ताकि आराम से कैंसिलेशन हो जाए। तो पहले हम कर लेते हैं 2 से, यहाँ पे 11 आया, तो 3 और 0 और 8, तो ये तो 7 से, अब 11 से हमारा डिवीज़न हो नहीं रहा, तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं पहले 11 से क्या डिवाइड हो रहा है, 11 वनजा तो 11 टू ज़ा 22, और यहाँ पे 8 बचा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1, 2 और 8, 28। तो आर स्क्वायर, तो मैं ऊपर वाला इसके लिए मिटा देता हूँ, क्या क्या बच गया है, r² = 28 × 7/100। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा, तो देख लेते हैं। और 28 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2, 1, 4, 7, 2, 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 7 × 2, और ये वाला 7 यहाँ पर आ गया, अपॉन 100, ये स्क्वायर हट चुका है, r = ये 2 भार गया, ये 7 भार गया, और 10 का हो गया, सो r हो गया 14/10, जिसका मतलब हो गया 1.4 मीटर। क्वेश्चन मीटर में, अब हमारे पास रेडियस आ चुका है, अब रेडियस आ गया है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो हमारी जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो हो गया, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस कितना है और सर्कमफ्रेंस कितना है वो हम लिख देते हैं। तो डिस्टेंस है 572 और सर्कमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर। अब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पर हम डाल देंगे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पाई की वैल्यू 22/7 ही डाला करें, अनलेस एंटर दूसरा बोला ना हो, नॉर्मली क्वेश्चन में वही वैल्यू होती है।
तो 572 अपॉन 2, 22 अपॉन 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस, यहाँ पे 1.4 ले लो या 14 अपॉन 10, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाए। अब यहाँ पर हम काटना स्टार्ट करते हैं, 7 टाइम्स 1 या 2, ये 2 आया और ये कट जाएगा 2, और यहाँ पे 1 6, 1 6, 266 हो गया, ये आया 133, 133। अब ये 11 पे जा सकता है या नहीं, 23 होगा, 123, यहाँ पे ये 10 से कट जाएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एग्जैक्ट आनी चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, 2 7 572 या 572, 2 कटा 2, नहीं यहाँ पर ये गलत हो गया, 2 8 2 16 और यहाँ पर 6, और फिर हमने कट करा था 143, 143। अब ये कट सकता है 11 से, 11 टाइम्स 2, 11 टाइम्स 1, 33 हुआ, 3, 1 5, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 3 15, 1 5 6, 65। तो 65 रेवोल्यूशन उसने ली हैं। अब मुझे कैसे पता चला कि ये मेरा कैलकुलेशन गलत हो रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आप पॉइंट्स में नहीं आएंगी, अभी आपके लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, ठीक है, आ सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, रियल लाइफ तो ऑब्वियसली टायर है वो आधे में भी रुक सकता है, बट अभी आपके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एग्जैक्ट आएंगी 65। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि वो डेसिमल में नहीं आने वाला, आधे में नहीं रुकेगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आई चेक्ड वंस अगेन और मुझे पता चल गया कि उसमें क्या गड़बड़ है। अब आगे चलते हैं, हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और आगे अपने दोस्तों को शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के जैसा सिमिलर सा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 मीटर इज़ 5280। तो एक सर्कुलर गार्डन है, उसकी फेंसिंग करनी है, फेंसिंग का मतलब हो गया पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। अब उसने बोला उसका रेट कितना है। अब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, आप चिप्स का पैकेट लेने गए, ठीक है, चिप्स का पैकेट है, अब उस पर लिखा हुआ है ₹10। अब आपने क्या करे, ये एक आइटम का कॉस्ट है, एक चिप्स का ₹10। अब आपने बोला भैया 5 दे दो, तो आप मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे और आप ₹50 उसको पकड़ा दोगे, यही होता है। तो ये इसकी क्या है, कॉस्ट पर यूनिट, इसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का, और ये हो गया नंबर ऑफ आइटम्स, और ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये टोटल मनी। अब ये इसका फॉर्मूला होता है, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स इंटू टोटल। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर, 24 पर मीटर, तो उन्होंने कॉस्ट पर यूनिट दे दी, कॉस्ट पर मीटर, कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि इसको यूनिट में बोलते हैं, इसको मीटर में, कॉस्ट पर मीटर कितना है, ₹24। उन्होंने टोटल कॉस्ट दे दी, टोटल पैसा कितना दिया उन्होंने, 5280। है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट मिलता है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करा दूं तो नंबर ऑफ आइटम मिलता है, नंबर ऑफ आइटम से मेरे को यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आइटम क्या है, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या हो गया, और जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, सरकमफ्रेंस हो गया 5280 अपॉन 24। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से,
यहाँ पर आया 2 1 6 4 0, यहाँ बचा 12। फिर 2 से करते हैं 1 3 2 0 6। अब हम इसको डायरेक्टली मैं कर देता हूँ 6 से, 6 times 1 2 12 2 12 20। सो 220, अब इसमें क्या था, कॉस्ट पर मीटर था तो मीटर में आएगा। ये भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। आगे द फील्ड इज़ टू बी प्लॉट, मतलब उसमें खुदाई करनी है, उसमें खेती करनी है, तो खेती करने के लिए आपको बीच में क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालना है, अब उसका भी रेट दे रखा है, वो है 0.5 पर मीटर स्क्वायर। हम पहले इसका निकाल लेते हैं एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे सर्कमफेरेंस दे रखा है, यहाँ पे रेडियस हमें चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस की मदद से क्या निकाल लेंगे, 2πr रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस का हो गया, ये हो गया 2, उधर जाके 20/2, ये होता है 22/7, 7/22। देखो 22 से 22 कट गया, रेडियस हो गया 70/2, मतलब 35 मीटर, मीटर में चल रहा है तो मीटर में आएगा। अब हम निकालेंगे एरिया, पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू रेडियस कितना, 35। सो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, 35 इंटू 35, ये आ गया 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 इंटू 22, तो यहाँ पर आ गया 10 10 अरे 11। तो 11 इंटू 35 करना है, 11 इंटू 35 का मतलब हो गया 35 35 5 8 3, 385 385, और ये 0, ये इसका एरिया है, इस फील्ड का एरिया है। अब मुझे अगर इसकी क्या निकालनी है, कॉस्ट, तो मैं क्या करूँगा, 3850 इंटू, उन्होंने बोला था 0.5, मतलब आधा, 0.5 मतलब इसका आधा, हाफ कर दो इसको, तो इसको मैं अगर हाफ करने जाऊँ तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 19 9 2 18, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 1925 रुपीज़ आपको लगेंगे इसको, फील्ड को प्लॉ करने में। तो यह हमारा आंसर नंबर 3 चल रहा था, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन हो तो वो भी बताएं, और अच्छा लगा हो तो वो भी बताएं। तो इस कहने का मतलब ये है, हमसे आप कम्युनिकेशन 2-वे हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।